भारत, जहां अगर गाड़ी की बात की जाए तो कहानी कितना देती है कि इर्द गिर्द ही सिमट जाती है। माने अफोर्डेबल या सस्ते या यूं कहें कि बजट ही इस देश की किसी भी खरीदारी का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस पैमाने पर खरी उतरती हैं? ये सवाल हर उस इंसान के जहन में है जो गाड़ी खरीदने का मन बना रहा है और सरकार के ईवी पर दिए जा रहे इंसेंटिव्स को लेकर संजीदा है। सवाल ये कि क्या ईवी खरीदना फायदे का सौदा है भी या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दाम की। जहां सब्जी तक के लिए सौदेबाजी होती हो, वहां अगर कोई 5-7 लाख रुपए खर्च करने वाला है तो जाहिर है कीमत तो मायने रखती ही है। तो इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार को सबसे पहले इसी कसौटी पर देख लेते हैं। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कार की खरीद की कीमत में बड़ा फर्क है। ईवी के लिए आपको तकरीबन 3 गुना ज्यादा पैसा केवल गाड़ी की खरीद पर चुकाना पड़ता है। हालांकि इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी पर अधिकतम 1.5 लाख रुपए की सरकारी छूट भी मिलती है, तो उसे आप कॉस्ट से घटा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चलाने के खर्च की। पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ऊपर बने हुए हैं, तो उस हिसाब से ईवी की रनिंग कॉस्ट काफी कम बैठती है। यानी ईवी की खरीदारी पर आपको जो अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है, उसकी भरपाई आप तकरीबन 6 से 8 साल में कर सकते हैं। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आखिर आप हर महीने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। रखरखाव की बात करें तो इस मोर्चे पर भी ईवी सस्ते पड़ते हैं, यानी यहां से आपको होता है बड़ा फायदा। अब सबसे महत्वपूर्ण चार्जिंग के खर्च पर चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी चार्ज करने का खर्च अहम होता है। मिसाल के तौर पर दिल्ली की बात करें तो यहाँ चार्जिंग स्टेशन पर खर्च 4 से 4.5 रुपए यूनिट, जबकि घरों में 3 से 8 रुपए यूनिट का खर्च आता है। यानी ये खर्च चार्जिंग स्टेशन पर 80 से 202 रुपए के मुकाबले घर पर 160 से 450 रुपए बैठता है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की बात करें तो सरकार ने बजट में ईवी को प्रमोट करने के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाने की बात की है। बैटरी स्वैपिंग यानी कि आप किसी भी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पर अपनी गाड़ी की डिस्चार्ज हुई बैटरी को चार्ज बैटरी से बदल सकते हैं। अगर आप लंबे सफर पर हैं तो बैटरी स्वैपिंग बेहद मददगार साबित होगी। इससे बैटरी चार्ज करने का वक्त बचेगा। अब इस पूरे मुद्दे पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो भी जान लेते हैं। क्या हमें अभी ईवी खरीदनी चाहिए? इस बारे में ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन कहते हैं कि ईवी खरीदने के लिए कम से कम 5 साल इंतजार करें। पार्किंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है तभी ईवी खरीदें। उसमें भी शहर से बाहर ट्रिप नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पेट्रोल डीजल गाड़ी की तुलना में ईवी का रखरखाव खर्च 20 से 30% ही रह जाएगा, लेकिन रीसेल वैल्यू न के बराबर होगी। ईवी की बैटरी 5 साल 6 साल चलेगी या फिर 12 साल, अभी इसका कोई साक्ष्य अथवा स्पष्टता नहीं है। धवन की सलाह है कि 16 से 18 लाख रुपए की ईवी खरीदने के बजाय 10 लाख रुपए की पेट्रोल गाड़ी खरीदें और बाकी के 6-8 लाख रुपए एफडी में निवेश करें और उसके ब्याज से गाड़ी चलाएं। अब फैसला आपका, पेट्रोल की गाड़ी की सवारी करना पसंद करेंगे या ईवी की।